हाय एवरीवन दिस इज वे आज हम पढ़ने वाले हैं टाइगर ट्रैकिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि टाइगर ट्रैकिंग कैसे की जाती है क्यों की जाती है और इससे हमको बिग कैट के बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ पता चला है तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अजरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए इस टॉपिक के डायमेंशन कैसे रहेंगे टाइगर ट्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे दो तरीके से की जाती है कैमरा ट्रैप्स ओके द वर्ड इज ट्रैप्स कैमरा ट्रैप्स रेडियो कॉलर्स डाले जाते हैं गले में ये कैमरा टैप्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं टेलीमिट्री ट्रैकिंग क्या होती है डिस्पर्सल ऑफ टाइगर्स ट्रैकिंग प्रोग्राम क्या होता है स्टडी ऑफ वॉकर ये एक टाइगर था बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके केस स्टडी के बारे में जानेंगे और टाइगरस जो होती है फीमेल टाइगर यानी वो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में आती है ह्यूमन के साथ ऐसा क्यों होता है और फ्यूचर प्लान वाइल्ड लाइफ वालों का क्या है ऑफिशियल्स का क्या प्लान है इसको हम डिटेल में जानेंगे अब देखिए विद्या बालन की एक मूवी आई थी शेरनी तो उसको इंस्पायर किया गया था 2018 में अवनी नाम की एक टाइगर को मारा गया था रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया है रीवाइल्डिंग ऑफ एनिमल्स रीवाइल्डिंग वो भी स्पेशली बिग कैट्स की बिग कैट्स में आपके टाइगर लेपर्ड्स ये सब आते हैं तो रीवाइल्डिंग मैंने समझाया था कि क्या होता है कि जो एनिमल्स को हम कैप्टिविटी में रेज करते हैं और बाद में उनको जंगल में जा छोड़ते हैं तो पहले उनको ट्रेन करते हैं कि जंगल में कैसे रहना है तो डिटेल में बताया था रीविल्डिंग रीवाइल्डिंग में और वहीं पे मैंने अवनी के बारे में बताया था कि ये भी एक ऐसी ही टाइगर थी जिसको रीवाइल्ड करके छोड़ा गया था लेकिन ये सक्सेसफुल अटैम्प्ट नहीं रहा था क्योंकि ये मैन ईटर बन गई थी ह्यूमन्स पर अटैक करती थी तो इसीलिए इसको मारा भी गया था टू में टाइग्रेस अवनी को फॉरेस्ट में ओके कहाँ पे यवतमल डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का वहाँ पे तो so, फिल्म में भी इस तरह के बिट्स एंड पीसेस दिखाए गए हैं और एंड में एक कंट्रोवर्शियल एंडिंग होती है कि एक प्राइवेट शूटर को हायर करके टाइगर को टाइग्रेस को मारा जाता है और मरने से पहले अवनी का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों को उसने मारा था यवतमल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का यहाँ पर आपको दिखेगा ओके बिग स्टेट महाराष्ट्र तो यहाँ पे ये यह स्टोरी बेस्ड है तो इस तरह से ये न्यूज़ कटिंग भी है टाइगर अवनी किल्ड ग्रेट चैलेंज ऑफ महाराष्ट्र फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ओके okay, क्योंकि उसके कब्ज का क्या होगा दैट इज़ ऑल्सो इन क्वेश्चन अब सवाल है कि टाइगर को किस तरह से ट्रैक किया जाता है और क्यों ट्रैक किया जाता है तो दो मेजर वेज हैं ट्रैक करने के क्योंकि हमको पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है आप या तो कैमरा लगाते हैं ठीक है इस तरह से कैमरा जो है वो जंगल में किया जा लगाया जाता है तो उससे टैपिंग की जाती है कि किस तरीके से कहाँ से टाइगर जा रहा है रेडियो कॉलर्स उसके गले में रेडियो कॉलर लगाया जाता है अब कैमरा यहाँ पे कैमरा के स्पेलिंग गलत है ओके एनी वे कैमरा टैप्स जो हैं वो दिखाते हैं जैसे कि शेरनी पिक्चर में भी दिखाया है जी एस एम यूज किया जाता है इसमें अब जी एस एम यूज करा तो मतलब आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए हर जगह में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तभी आपको एनिमल कहाँ कहाँ जा रहा है आपको मालूम रहेगा तो कैमरा टैप्स और जी एस एम की मदद से कैमरा टैप्स जो हैं वो वर्क करते हैं अब रॉ डेटा कलेक्ट किया जाता है इमेज ऑर्गेनाइज की जाती है जैसे अलग अलग जगह आपने कैमरा लगा दिया जहाँ पे आपको पता है कि ज्यादा चांसेस हैं टाइगर के आने के तो 12 से 24 घंटे में जाके आप पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता रहता कि यहीं पे है टाइगर बिकॉज जब तक आप कैमरा वाली पोजिशन पर पहुँचते टाइगर रीलोकेट हो गया होगा दूसरी जगह पे चला गया होगा या कोई भी एनिमल दूसरी जगह चला गया होगा बट एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि दे आर ब्राइटर चांसेस कि इस एरिया के अराउंड जो टाइगर है वो हो सकता है लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जब उस जगह में एक से ज़्यादा टाइगर्स हों तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अलग टाइगर है हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो नहीं है ओके okay, तो रॉ डाटा लिया जाता है इस तरह से कैमरा का इमेज ऑर्गेनाइज़ की जाती है स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की जाती है स्पीशीज़ रिकॉर्ड्स तो इस तरीके से जो आपके ये आ, कैमरा है ये वर्क करते हैं रेडियो कॉलर्स इस तरह से इसके गले में आप यहाँ पे देखें एक कॉलर जो है वो डाला जाता है ये लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के लिए है सिर्फ उनको पकड़ने के लिए नहीं है बल्कि कि वो कब खाते हैं क्या खाते हैं कब सोते हैं कब शिकार करते हैं कितनी फ्रिक्वेंसी पे शिकार करते हैं कितना मूव करते हैं उनकी टेरिटरी कौन सी है दूसरे टाइगर से कन्फ्लिक्ट में कब आते हैं तो हर चीज़ को उनकी मूवमेंट पैटर्न पर ध्यान दिया जाता है ताकि हम टाइगर कॉन्जर्वेशन को और बेहतर तरीके से समझ सकें तो ये आगे आपका रियल टाइम इस मूवमेंट से आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि कैमरा में तो आपको रियल टाइम नहीं मिल रही इससे आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ गया तो देखिए यूजर्स इसमें भी इंटरनेट है लोकेशन सेंसर्स आप जीपीएस सैटेलाइट्स यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ से सिग्नल जा रहा है तो आपको लोकेशन उसकी मिलती रहेगी अब है कि कैमरा ट्रैप्स किस तरीके से काम करते हैं टाइगर को ट्रैक करने के लिए ओके okay. कैमरा ट्रैप्स किस तरह से काम करते हैं पहला जब कैमरा ट्रैप्स को आपने लोकेशन पे लगा दिया जहां से आपको लगता है टाइगर गुजरेगा तो आपको रहेगा कि यहाँ पे आप जाके 12 टू 24 फोर आवर्स में चेक कर सकते हैं ये चीज लिखी है गैप ऑफ टू टू ट्वेल्व आवर्स लिखा है यहाँ पे बट एनी वे आई थिंक इट्स ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर बट ठीक है दो से बारह घंटे या बारह से चौबीस घंटे में आप पिक्चर्स ले रहे हैं अब इस टाइम पे जो इमेजेस हैं जैसे मैंने आपको बताया टाइगर अगली जगह पे मूव कर गया होगा और लेकिन आपको फिर भी चांसेस हैं आपको वहाँ पे मिलेगा लक फैक्टर इसमें एक मेजर पार्ट रहेगा उसके बाद में कैमरा ट्रैप्स आइडेंटिफाई करेंगे एनिमल को गिवन लोकेशन में लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये सिस्टम अब यहाँ पे दो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं बहुत इस तरह के ऑपरेशंस uh, चले थे जब अवनी को 2018 में पकड़ना था और आर था 2020 में टाइगर फ्रॉम राजूरा तहसील ऑफ चंद्रपुर ये महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट का जिसको मारा गया था मरने से पहले इसने नौ लोगों की हत्या की थी एटीन मंथ्स के पीरियड में यानी ये टाइगर मैन ईटर बन गया था ओके okay? तो जब इस तरह से होता है कि ह्यूमन की आबादी पे ये लोग अटैक करने लग जाते हैं टाइगर्स तो फिर उनको या तो पकड़ लिया जाता है या मार दिया जाता है क्योंकि बहुत ही घातक हो जाते हैं अब टेलीमिटरी ट्रैकिंग क्या बताती है इस तरह का ट्रैक करना टाइगर्स को हमको क्या बताता है कि क्योंकि वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स के हमेशा रडार पे टाइगर रहेगा अब रूट देखते हैं कि ये किस रास्ते से टाइगर मूव करता है तो यहाँ पे आपको टाइगर की मूवमेंट के बारे में टाइगर के बिहेवियर के बारे में पता चलता है वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ जाता है कहाँ रुकता है रेस्ट कितनी देर के लिए लेता है और कितनी फ्रिक्वेंटली शिकार करता है अब देखा गया कि टाइगर जो है अगर ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप से जाता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जाता है तो हमको क्या क्या पता चला कि वैसे जंगल में फ्रीली घूमेगा क्योंकि उसको पता है मेरी टेरिटरी है मैं कहीं पे भी जाऊं लेकिन जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन हैं वहाँ से अगर ये गुजरेगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगा डायरेक्शन स्पेसिफिक रहेगा जब तक कि इसको टाइगर को इंटरप्ट ना किया जाए क्योंकि टाइगर डजेंट लाइक कि वो ह्यूम्स के साथ जाके मिक्स हो फिर कंफ्लिक्ट हो एनिमल्स आर यूजली शाई ऑफ ह्यूमन बींग्स सो दे ट्राई टू अवॉइड ह्यूमन बींग्स तो एक डायरेक्शन फॉलो करेंगे पर्टिकुलर रूट जब तक कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए और जैसे मैंने बताया जंगल में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं लेते अब एरियाज़ ट्रैकिंग के अगर आप देखें तो हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ में और ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स हर जगह टाइगर को ट्रैक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी टेरिटरीज जो हैं वो इस्टेब्लिश करके रखी हैं अब ट्रैकिंग प्रोग्राम का डिस्पर्सल देखिए महाराष्ट्र फॉरेस्ट गवर्नमेंट जो है इन्होंने स्पेशल टाइगर ट्रैकिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिल क्योंकि देखते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन है टाइगर्स का ईस्टर्न विदर्भा लैंडस्केप में और पैटर्न ये लोग स्टडी करते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज uh, जो हैं टाइगर्स के बारे में इनको स्टडी करके पता चला अब जैसे कि स्टडी में बता रही हूँ स्टोरी ऑफ अ वॉकर कि तीन हजार किलोमीटर की एपिक जर जर्नी जो है एक टाइगर्स ने uh, वो पूरी की और काफ़ी सारे टाइगर्स करते हैं थ्री थाउजेंड किलोमीटर तो देखिए कहाँ से ये यवतमल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से अजंता केव्स तक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन सिक्स मंथ्स तो यहाँ पे कैसे किया मोस्ट वैल्यूबल इनपुट मिला इसकी ट्रैकिंग से क्योंकि इसके यहाँ पे इसको ट्रैक किया जा रहा था शायद कॉलर था इसके गले में और ये अवॉइड यहाँ पे देखा गया कि टाइगर जो है वो ह्यूमन से कॉन्टैक्ट को एवॉइड कर रहा है कि ह्यूमंस के कॉन्टैक्ट में ना आए लेकिन एक ही जगह नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन्स uh, के साथ कॉन्टैक्ट में आया बेसिकली क्या हुआ कि ह्यूमंस ने इसके पास जाने की कोशिश की कि भाई टाइगर है देखें तो फिर उसने ह्यूमंस पे अटैक किया कुछ लोग इंजर्ड हुए लेकिन ट्रैक कर रहे थे इसलिए पता चल गया कि उसके कन्फ्लिक्ट uh, के थोड़ी देर के बाद ही टाइगर वहाँ से चला गया मूवड ऑन लेकिन अगर ट्रैक नहीं कर रहे होते तो so, फिर वाइल्ड लाइफ का बहुत पैसा भी खर्च होता है क्योंकि उस एरिया को प्रोटेक्ट करते ढूंढते कि टाइगर कहाँ है बट ट्रैकिंग की वजह से पता चल गया कि वहां से टाइगर जा चुका है अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है कि जो टाइग्रेस है फीमेल टाइगर है वो ह्यूमंस के साथ कंफ्लिक्ट में ज्यादा आती है तो ऐसा क्यों होता है तो उसका रीजन ये है कि टाइग्रेस को मेल टाइगर से ज्यादा खाना चाहिए होता है ऐसा क्यों टाइगर का एक बड़ी बड़ी टेरिटरी होती है टाइगर जो है वो ज्यादा टेरिटरी को अपनी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके रखता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में जैसे पेट्रोलिंग करते हैं पुलिस वाले वैसे टाइगर भी अपने एरिया की पेट्रोलिंग करता है तो वो थोड़ा रेस्ट करेगा फिर जाएगा कंपैरेटिवली जो फीमेल टाइगर है टाइग्रेस जो है उसकी टेरिटरी कम होती है तो वो एक दिन में ही पेट्रोलिंग कर लेती है जब ज़्यादा पेट्रोलिंग करेगी तो एनर्जी ज़्यादा जाएगी ज़्यादा एनर्जी जाएगी तो खाना ज़्यादा चाहिए होगा तो दिस इज़ द रीज़न कि उसको ज़्यादा फूड चाहिए और ज़्यादा फूड अगर जंगल में नहीं मिलेगा तो फिर टाइग्रेस कहाँ मूव करेगी ह्यूमन लैंडस्केप्स में ह्यूमन लैंडस्केप्स में मूव करेगी खाने के लिए तो कन्फ्लिक्ट भी ह्यूमन के साथ ज़्यादा होगा सो दिस इज़ द रीज़न ये भी इस तरह की स्टडी से इनको पता चला तो अल्टीमेटली हम ये बात कर रहे हैं कि ट्रैकिंग की जाती है और ट्रैकिंग से देखिए किस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमको मालूम पड़ते हैं कि ये वैसे जैसे ट्रैकिंग से ये भी पता चला कि बहुत बार क्या होता है कि जो टाइगर्स हैं वो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग निकलते हैं यू नो पेट्रोलिंग पे या मूव जब करते हैं लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया टाइगर Tiger, दूसरे टाइगर्स के साथ कंफ्लिक अवॉइड करने के लिए कई बार आफ्टरनून में भी निकल जाते हैं यू नो पेट्रोलिंग पे या जब भी वो मूव कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज में ये चीजें देखी गई और उसके बाद ये सेफ कॉरिडोर ये जो टाइगर ट्रैकिंग है या जिसको मैं बोल रही हूँ कि कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए सेफ़ कॉरिडोर प्रेफर करते हैं तो कन्फ्लिक्ट इनको भी लड़ाई लड़ाई झगड़े देखिए सिर्फ इंसानों में नहीं एनिमल्स को भी पसंद नहीं है तो सेफ कॉरिडोर से जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इनका कन्फ्लिक्ट दूसरे एनिमल्स के साथ में ना हो स्पेशली जो टेरिटोरियल फाइट्स होती हैं वो ना हो तो ट्रैकिंग इसलिए भी की जा रही है ताकि इन ब्रीडिंग ना हो जो वेराइटी है जेनेटिक प्योरिटी है टाइगर्स की वो बनी रहे तो सेफ अब ट्रैकिंग से ही हमको पता चला कि अगर सेफ कॉरिडोर्स हम बिल्ड करेंगे टाइगर्स के लिए तो ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेट करते हैं वो करते रहेंगे अब फ्यूचर प्लान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यही है कि लॉन्ग टर्म रिसर्च ट्रैकिंग से इसी तरह से जो स्टडीज हैं वो चलती रहे टाइगर की फैमिली पे उनकी थ्री फोर जनरेशन्स तक तो और कब्स अब नेक्स्ट आने वाले समय पे कब्स को भी कवर किया जाएगा जो टाइगर के बच्चे रहते हैं उनको भी कवर किया जाएगा कि किस तरह से बड़े होते हैं या जिस तरह भी से भी उनपे स्टडी करने का ये लोग प्लान करेंगे तो फ्यूचर प्लान में ये भी है तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ट्रैकिंग किस तरह से दो तरीकों से की जाती है ट्रैकिंग का क्या फायदा होता है और किस तरह के फैक्ट्स हमको टाइगर्स के बारे में इस ट्रैकिंग से मालूम पड़े अब आपके लिए क्वेश्चन है विच ऑफ द नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क नहीं है संजय गांधी नेशनल पार्क चंदोली नेशनल पार्क अंशी नेशनल पार्क तरडोबा नेशनल पार्क तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए बाकी इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए बाकी अगर आप स्टडी आई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा उसको क्लिक करके आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं बहुत से स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर दैट बाकी कॉल uh, पे आपको डिटेल्ड कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी थैंक यू सो मच